हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 11 अक्टूबर 2018 की प्रीलिम्स ऑडिटर सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज का जो पहला आर्टिकल आया है वो है बेसिकली साइक्लोन तितली और साइक्लोन लुबान को लेके। तो हम पहले तो ये जानेंगे कि इन्हें कौन कौन से एरिया में तो इफ़ेक्ट किया है, और इसके बाद भी हम ये जानेंगे कि भाई जो साइक्लोन का नाम है वो किस बेसिस पे रखा जाता है, या कि जब भी साइक्लोन का नाम रखते हैं तो कौन से ऐसे क्राइटेरिया हैं जिनको फुलफिल करने के बाद ही उनका नाम रखा जाता है, और कौन उनका नाम है बेसिकली रखता है। कंटेक्स्ट ये अभी कि रिसेंटली साइक्लोन तितली और साइक्लोन लुबान है। देखो, साइक्लोन तितली है, इसने तो बिहो बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी वाले एरिया में इफेक्ट है वो लेके आई, और इसी के साथ साइक्लोन लुबान है वो उसने अरब सागर में इफेक्ट है वो डाला। तो यूपीएससी की बार नाम वगैरह पूछ लेती है तो थोड़ा हमें पता होना चाहिए। अब अहम बात ये आती है कि दोनों ही साइक्लोन कौन सी टाइप के हैं। देखो, दोनों ही टाइप साइक्लोन है वो बेसिकली उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, यानी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन है। तो ये चीज़ हमें एक इफेक्ट ध्यान में रखनी है। चलो, आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं। पहले दो स्टेटमेंट बताता हूँ आपको, ये बताना कि ये सही है या गलत है। पहला स्टेटमेंट ये है कि जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं यानी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं, वो 0 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक जो नॉर्थ है और 30 डिग्री साउथ है उन वाले एरियाज़ में ही उत्पन्न है वो होते हैं। पहला स्टेटमेंट तो ये है, मतलब 0 डिग्री से लेके 30 डिग्री के एरिया को इफेक्ट है वो करते हैं, ये पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट ये हो गया कि ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो केवल बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन वाले रीजन में ही आते हैं। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन केवल और केवल इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में ही प्रोड्यूस है, उसी एरिया में इफेक्ट है वो डालते हैं। तो आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है, और इसके साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी देना है। अब हम चलते हैं आगे इसके इफेक्ट के बारे में। देखो, जो साइक्लोन के नामकरण की हम बात करते हैं तो 2014 में एक इंटरनेशनल प्लान बनाया गया था ट्रॉपिकल साइक्लोन को लेके, उसके द्वारा नाम डिसाइड बेसिकली किए जाते हैं। तो 2004 में जो इंटरनेशनल प्लान बनाया गया था ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए, बेसिकली नामकरण के लिए, उसमें बेसिकली कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं साउथ एशिया की बात करें तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, और यहाँ पे ध्यान रखना कि ओमान भी है जो कि साउथ एशिया में नहीं आता, थोड़ा अलग है, बट उसके बाद भी इंक्लूड यहाँ पे किया गया है श्रीलंका और थाईलैंड। तो ये कंट्रीज़ हैं, इन्होंने बेसिकली क्या किया, बहुत सारे नाम सुझा दिए एक एक करके, और उन्हीं नामों को फिर बेसिकली यूज है वो किया जाता है। जैसे कि इस बार इंडिया ने कोई नाम सुझाया तो इंडिया के नाम को यूज किया जा रहा है, उसके बाद दूसरी कंट्री ने कोई नाम सुझाया तो उस बेसिस पे। अब हम देखो बात करें यहाँ पे कि भाई फिर नाम सुझा तो दिए इन्होंने, फिर डिसाइड कौन करेगा, तो इसके ऊपर एक सेंटर बनाया गया जिसका नाम है रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर, जो कि दिल्ली बेस्ड है, और ये बेसिकली डिसाइड करता है इन नामों में से। तो अभी तक क्या है कि इन जो कंट्रीज़ हैं, इन कंट्रीज़ ने बेसिकली 64 नाम है वो सुझाए थे, तो उन्हीं नामों को रीजनल सेंटर है जो मेट्रोलॉजिकल सेंटर है बेसिकली, इसके द्वारा चेंज है वो किया जाता है कि हाँ भाई इस बार ये नाम रखना है, इस बार ये नाम है वो रखना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, दिल्ली में, मतलब दिल्ली बेस्ड ये सेंटर है जो डिसाइड बेसिकली करता है, पर नाम आते कहाँ से, इन कंट्रीज़ के द्वारा बेसिकली सुझाए जाते हैं। अब यहाँ पे एक अलग से इफेक्ट और बन जाता है, वो ये है कि बेसिकली साइक्लोन है वो अलग अलग एरियाज़ में आते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, आपको बताएं तो उनको अलग अलग नामों से ही यहाँ पे जाना जाता है। जैसे कि हरिकेन जो साइक्लोन है या हुरिकेन के नाम साइक्लोन है वो बेसिकली कहाँ आते हैं, और एक नॉर्मली साइक्लोन जिसे चक्रवात हम कहते हैं, और एक आते हैं टाइफून। जैसे देखो, हमारे यहाँ पे कोई भी साइक्लोन है तो उसे हम चक्रवात या साइक्लोन कहते हैं, उसी तरीके से नॉर्थ अटलांटिक और नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक वाला जो एरिया है उसमें अगर साइक्लोन आते हैं तो उनको साइक्लोन नहीं कहते हैं, वहाँ पर उनको हरिकेन नाम से जानते हैं, मतलब वहाँ पर साइक्लोन को हुरिकेन या हरिकेन से जानते हैं। इसके साथ ही हम बात करें साइक्लोन कहाँ कहते हैं, तो देखो साइक्लोन कहते हैं साउथ पैसिफिक, मतलब साउथ पैसिफिक वाला हिस्सा कौन सा हुआ, ऑस्ट्रेलिया वाला एरिया, और बात करें इसके साथ ही इंडियन ओशन, इंडियन ओशन में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं जो कि इंडियन ओशन के पास में है वो कंट्रीज बेसिकली। इसी के साथ तीसरा है टाइफून। टाइफून देखो कहा जाता है नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन में, नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन है उस वाले एरिया में टाइफून कहा जाता है। अब आप ये बताइए कि यूएसए में एक मायामी बीच है, उसमें बेसिकली अगर साइक्लोन या मतलब जो भी आएगा उसको क्या नाम दिया जाएगा, ये आप बताइए कि यूएसए में मायामी जो जगह है वहाँ पे अगर कोई भी साइक्लोन या कुछ भी चक्रवात आ रहा है तो उसका क्या नाम होगा, हरिकेन से जाने जाया जाएगा या फिर टाइफून से या फिर साइक्लोन से, वो नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये हो गया आपके लिए सेकेंड क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है मेड वॉच के बारे में। देखो, मेड वॉच है वो एक रिसेंटली मोबाइल हेल्थ एप्लीकेशन बनाया गया है, किसके द्वारा, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि इंडियन एयरफोर्स है, उसने एक मेडिकल एप्लीकेशन बनाया है जिसमें हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो दी जाएंगी लोगों को।
बेसिकली ऐसा नहीं है कि केवल ये एयरफोर्स के लिए है, बाकी सभी लोगों के लिए है, आम जनता के लिए भी ओपन है और एयरफोर्स के लिए भी है। क्योंकि देखो गवर्नमेंट हेल्थ को प्रमोट कर रही है और हेल्थ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसीलिए हेल्थ की अवेयरनेस और हेल्थ के बारे में लोगों को और अच्छे से जागरूक करना है, तो उसके लिए मेडिवॉच एप्लीकेशन है वो तैयार है किया गया है। इस एप्लीकेशन में फर्स्ट एड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, मतलब प्राथमिक उपचार से संबंधित सारी प्रक्रियाएं या कैसे काम करना है, कैसे कैसे ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें रहेंगी। इसके साथ ही और भी हेल्थ के जो टॉपिक हैं उन पे हेल्थ इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की जाएंगी, तो ये हमें ध्यान में रखना है। बट अहम बात क्या है कि जो तीन आर्म फोर्स हमारी, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, इन तीनों में से सबसे पहली बार ऐसा इनिशिएटिव है वो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा लिया गया है, ताकि आम जनता को भी इसमें इंक्लूड है वो किया गया, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। अब इसमें एक तो देखो जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगी, इसके साथ जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी वो साइंटिफिक प्रूव्ड होंगी, इसके साथ ही सही इन्फॉर्मेशन है वो लोगों को स्प्रेड की जाएंगी, ताकि हेल्थ से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं लोगों के वो क्लियर हो सकें और लोगों को सही गाइडेंस है वो मिल सके। इसके साथ इसमें बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेटर के बारे में इन्फॉर्मेशन रहेगी, हेल्पलाइन नंबर दिए जाएंगे, हेल्थ रिकॉर्ड वगैरह तैयार किए जाएंगे, और इसी के साथ मेडिकल रिव्यू वगैरह उनकी सारी रिपोर्ट्स वगैरह डाटा वगैरह रहेगा, तो हम चेक भी कर सकते हैं कि भाई हमें पहले तबीयत खराब हुई तो क्या वगैरह, सब कुछ इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे अपडेट है वो कर सकते हैं। मतलब इस तरीके का इसको प्लेटफॉर्म के तौर पे डेवलप है किया गया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है साउथ ईस्ट एशिया रेगुलेटरी नेटवर्क को लेकर, यानी कि SEER सेंड को लेकर। अब हम देखते हैं क्या है। देखो साउथ ईस्ट एशिया रेगुलेटरी नेटवर्क है वो रिसेंटली डेवलप किया गया है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, यानी इंडिया की जो सीडेक एजेंसी है जो कि सुपर कंप्यूटर बनाती है उसके द्वारा इस नेटवर्क को डेवलप है वो किया गया है। अब ये नेटवर्क काम क्या करेगा वो हम देखते हैं। देखो ये जो नेटवर्क बनाया गया है ये बेसिकली साउथ ईस्ट एशिया का जो रीजन है इसमें इंफॉर्मेशन है उसको एक्सचेंज करने के लिए, यानी कि इन्फॉर्मेशन है उनको एक तरीके से शेयर करने का प्लेटफॉर्म या गेटवे वो तैयार किया गया, ताकि एक कंट्री दूसरी कंट्री को इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकती हैं और उससे लिंकेज भी बढ़ेंगे और जो भी इश्यूज हैं उनको दूर किया जा सकता है। अब देखो अहम बात क्या है, एक तो हम जानते हैं कि साउथ एशिया वाला जो एरिया है ना इसमें बीमारियाँ वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा हैं वो होती हैं, क्योंकि जो उष्ण कटिबंधीय यानी कि जो ट्रॉपिकल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे डिजीज़ फैलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं वो होते हैं, क्योंकि वहाँ पे मौसम ऐसा ही होता है कि जो जीवाणु बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनके लिए काफ़ी अनुकूल माहौल वहाँ पे तैयार रहते हैं, तो इसीलिए इस एरिया में हेल्थ के जो कोलैबोरेशन है उसके लिए भी इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करना काफ़ी जरूरी हो जाता है। क्योंकि देखो सभी कंट्रीज़ के बॉर्डर टच हैं, तो ऑब्वियसली अगर एक कंट्री में कोई बीमारी आ रही है तो दूसरे में फैल सकती है, तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन शेयर करना बहुत ज़रूरी है वो हो जाता है। इसके साथ ही और भी जो रेगुलेशंस वगैरह हैं और भी इन्फॉर्मेशन हैं अगर उनको स्प्रेड करना है, फैलाना है, आपस में एक्सचेंज करना है, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहती है, और उसी के लिए इस नेटवर्क का निर्माण बेसिकली किया गया कि साउथ ईस्ट एशिया के रीजन में जो इन्फॉर्मेशन हैं उनको एक्सचेंज किया जा सके। अहम बात क्या है कि WHO और इंडिया इसके द्वारा ऑलरेडी इस सेंटर को सपोर्ट वो दिया जा रहा है, ताकि साउथ एशिया वाला जो रीजन है इसके अंदर हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इशूज़ वगैरह ना रखें, उनको निर्दोष जल्दी से जल्दी निपटाए वो जा सकें। अब हम यहाँ पे बात करते हैं बेसिकली जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हमारे लिए आता है वो आता है साउथ ईस्ट एशिया रेगुलेटरी जो नेटवर्क है ये कैसे तो है और इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं वो आ जाती हैं। देखो जो ये नेटवर्क है ये बेसिकली लंदन बेस्ड एक हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन प्लेटफॉर्म है, मेडिसिन प्लेटफॉर्म, जिसका काम क्या है, रिसर्च जो कोलैबोरेशन है इसको प्रमोट करता है। मतलब एक कंट्री में कोई भी रिसर्च हो रही है उसको प्रमोट करने के लिए जो भी काम वगैरह होंगे उसको बेसिकली सपोर्ट है वो करता है। अब देखो एक कंट्री में रिसर्च अगर प्रमोट की जा रही है तो वो रिसर्च किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो सकती है, हेल्थ से लेके भी हो सकती है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी हो सकती है, या और भी काफ़ी तरह के एरिया से रिलेटेड हो सकती है, तो उन इन्फॉर्मेशन को अगर शेयर करना है ताकि और ज़्यादा रिसर्च है उसको प्रमोट किया जा सके उसके लिए बेसिकली नेटवर्क है वो भी डेवलप किया गया है। तो यह हमें ध्यान में रखना है कि यह सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग है उसके द्वारा डेवलप किया गया है और WHO और इंडिया द्वारा ऑलरेडी सपोर्टेड है। इसमें बेसिकली एशियन कंट्रीज़ हैं वो इसके मेंबर हैं। ये हमें ध्यान रखना है कि इंडिया आसियान या एशियन कंट्रीज़ का मेंबर नहीं है, इंडिया आसियान प्लस 6 में बेसिकली इंक्लूड है वो होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट और आता है, वो आता है CDPRG। CDPRG है क्या, यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज़ पॉलिसी रिसर्च ग्रुप। देखो ये कम्युनिकेबल डिजीज़ पॉलिसी रिसर्च ग्रुप है, ये बेसिकली पब्लिक हेल्थ की जो प्रॉब्लम है उन पे फोकस करने के लिए बनाया गया था, क्योंकि साउथ एशिया के जो रीजन है साउथ ईस्ट एशिया वाला उसमें डिजीज़ फैलती हैं, तो उन जो कम्युनिकेबल मतलब जो संक्रामक डिजीज़ होती हैं उनके ऊपर स्टडी करने के लिए, रिसर्च करने के लिए ग्रुप है बेसिकली बनाया गया, तो ये भी थोड़ा हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है हमारा वो है जल बचाओ वीडियो बनाओ पुरस्कार पाओ कंटेक्स्ट को लेके।
तो देखो है क्या, तो आप नाम से समझ में आ रहा है कि ओब्वियसली पानी को सेव करने के लिए वाटर कंजर्वेशन के लिए ये अभियान है या ये प्रोग्राम है वो बेसिकली चलाया गया था। देखो ये प्रोग्राम चलाया किसने वो थोड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये वैसे तो किसी एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री का नहीं है, काफ़ी सारे मिनिस्ट्री का कोलाब्रेशन है। तो यही चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि यूपीएससी कोई एक ही मतलब मिनिस्ट्री का नाम दे दो फिर पूछ ली भाई इसी का है क्या, तो ऐसा नहीं है। बेसिकली मेन बात करें तो जो नोडल मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुनेशन, इसके द्वारा बेसिकली इसको स्टार्ट किया गया है। बाकी और भी मिनिस्ट्रीज़ का इसमें कोलाब्रेशन है वो रखा गया है। तो अभी इसके कंटेक्स्ट हैं, उनके जो विनर्स हैं उनकी लिस्ट वगैरह पब्लिश की गई है, तो थोड़ा हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो आया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, यानी कि RPA एक्ट है 1951, उसके सेक्शन 151 को लेके आया है, 151A जो सेक्शन है उसके बारे में। अब पहले तो हम ये जानते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 है, उसका सेक्शन 151A है वो कहता क्या है, इसके बाद हम इश्यू को डिस्कस हैं वो करेंगे। इश्यू देखो वैसे कुछ खास है नहीं, ना ही UPSC उस पर क्वेश्चन पूछने वाली है। देखो ये सेक्शन 150A है, 151A है, ये बेसिकली इलेक्शन कमीशन को मतलब जो चुनाव आयोग है इसको बेसिकली ये कहता है कि भाई संसद या विधानसभा की कोई भी अगर सीट खाली हो गई है और उस सीट का कार्यकाल, ध्यान से रखना ध्यान से सुनना, संसद या विधानसभा की अगर कोई सीट खाली हो गई है अगर और उसका जो कार्यकाल है वो अगर देखा जाए तो 1 साल से ज़्यादा का पेंडिंग रह गया है, तो उस कंडीशन में इलेक्शन कमीशन को विद इन 6 मंथ है वो इलेक्शन कंडक्ट है वो करवाने होंगे, मतलब बाई इलेक्शन की बात यहाँ पे की गई है। थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे ये मानो चलो हम एग्जाम्पल से यहाँ पे बेसिकली डिस्कस करें कि अगले साल जून में लोकसभा के इलेक्शन है वो होने हैं, ठीक है, और इसी साल ये मान लो कि अब अप्रैल है उसके अंदर कोई भी लोकसभा की सीट है, कोई भी MP है वो मतलब एक्सपायर कुछ भी हो गया है वो सीट खाली होगी मई के अंदर ही। ध्यान रखना 2018 की मई में सीट खाली हो गई है और इलेक्शन है बात हम करें तो 2019 के जून में। अब इस कंडीशन में होगा क्या, इस कंडीशन में देखो इलेक्शन कमीशन को ये जो सेक्शन 150A है, 151A है, ये कहता है कि भाई 1 साल से ज़्यादा का टाइम है सीट के लिए, तो आपको 6 महीने के अंदर जो सीट खाली हुई है मतलब मई में जो सीट खाली हो गई है उसको 6 महीनों के अंदर अंदर आपको फिलअप करना होगा बाय इलेक्शन की हेल्प से। ये बेसिकली सेक्शन 151A है वो कहता है, मतलब सीट को 6 महीने में भरना है, कब, जब उस सीट का कार्यकाल 1 साल से ज़्यादा का पेंडिंग रह गया, मतलब 1 साल से ज़्यादा का टाइम हो तभी। ऐसा नहीं है कि 2 महीने बाद ही इलेक्शन होने वाले हैं और उसी दौरान आप इलेक्शन करवा रहे हो तो वो तो पैसा वेस्ट हो गया। तो ये सेक्शन 151 है वो बेसिकली कहता है। अब थोड़ा सा हम इश्यू भी देख लेते हैं करंट से रिलेटेड। इश्यू है बेसिकली कर्नाटका और आंध्र प्रदेश का। देखो कर्नाटका में सीट खाली पड़ी थी तो उसी चीज़ को लेकर इलेक्शन कमीशन ने गाइडलाइन जारी कर दी कि हाँ भाई इलेक्शन करवाने हैं, तो उस चीज़ पे कुछ ऑब्जेक्शन उठाया गया कि भाई देखो आंध्र प्रदेश है वहाँ भी लोकसभा की 3 सीटें खाली पड़ी हैं, उन पे इलेक्शन क्यों नहीं करवाए जा रहे हैं। तो उसका जो लॉजिक दिया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा वो कहा गया कि देखो वहाँ पे जो कार्यकाल है बेसिकली वो 3 साल, तीन सॉरी 1 साल से कम का टाइम पीरियड है, तो इसलिए वहाँ पे इलेक्शन करवाने की कोई वैलिडिटी या कोई भी औचित्य नहीं बनता, जबकि कर्नाटका में अभी इलेक्शन हुए थे सीट खाली हुई है तो वहाँ पर इलेक्शन करवाना जरूरी है वो हो जाता है। तो कंटेक्स्ट देखो कुछ दमदार नहीं है, बस थोड़ा ये पता होना चाहिए कि सेक्शन 151 है वो कहता क्या है। अब UPSC यहीं पे घुमा फिरा के पूछ लेती है कि सीट है वो खाली हो गई है और इलेक्शन मतलब 7 महीनों में होने वाले हैं तो क्या इलेक्शन करवाने हैं, नहीं भैया ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है, कम से कम 1 साल का जो टाइम पीरियड है वो होना चाहिए। देखो अगर 1 साल के लिए टाइम पीरियड है तभी तो इलेक्शन करवाने का फ़ायदा होगा, अगर आज इलेक्शन करो और फिर 2 साल 2 महीने बाद अगर इलेक्शन वापस हो जाएंगे तो क्या मतलब हुआ। तो इसके लिए सेक्शन 151A का यूज़ है वो बेसिकली किया जाता है। तो ये तो थी आज की हमारी डिस्कशन, तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।